हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीके टेक्निकल पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के टू अप्रोचेस के बारे में। इसकी दो अप्रोच हैं, FOD एंड OOD। FOD यानी कि फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन एंड OOD यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। इन दोनों के बारे में जानते हैं ये अप्रोचेस किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से इनको यूज़ करके सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर बात करते हैं सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने की टू अप्रोचेस के बारे में। दो अप्रोचेस है, ये है FOD एंड OOD। FOD क्या है? फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन है, जबकि OOD क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। दोनों के बारे में बात करेंगे, दोनों किस तरह से वर्क करती है, किसी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने में किस तरह से हेल्प करती हैं, क्या इनका वर्क होता है। पहले बात करते हैं यहाँ पे फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन यानी कि FOD के बारे में। FOD क्या है? इन फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन द टॉप लेवल मॉड्यूल इज सक्सेसफुली रिकम्पोज्ड इनटू मोर सब मॉडल्स। इसमें क्या होता है, जो टॉप लेवल हमारा मॉड्यूल है इसको सक्सेसफुली सब मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है, अलग अलग मॉड्यूल्स में इसमें डिवाइड किया जाता है। कोई भी हमारा जो टास्क है, जो भी वर्क है, उसको एक टास्क को अलग अलग मॉड्यूल्स में यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा। वेयर ईच मॉड्यूल हैज़ ए वेल डिफाइंड टास्क, जहाँ पर प्रत्येक मॉड्यूल का एक वेल डिफाइंड टास्क होता है। जो भी यहाँ पर सब मॉड्यूल्स हैं उनका अलग अलग टास्क होता है। मान लो कोई भी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी, इसमें क्या होता है फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन में, कोई भी हमारा जो टास्क दिया गया है हमें, उसको 100% जो वर्क हमें करना है जो टॉप लेवल है उसको हम सब मॉड्यूल्स में यहाँ पर डिवाइड करेंगे। मान लो 50-50% में हमने उसको डिवाइड किया फॉर एग्जांपल, उसके बाद उस 50% को भी 25-25 या 30-20 में इस तरह से सब मॉड्यूल्स बना के उसको वर्क को डिवाइड करेंगे। ये जो टास्क हैं ये इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, इंडिपेंडेंट टास्क हैं ये। इनको जो हमारा जो भी टॉप लेवल मॉड्यूल है इसको हम डिवाइड करते हैं कॉन्क्यूर मॉड्यूल्स में, कॉन्क्यूर यानी कि सेपरेट सेपरेट मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, फिर उसके ऊपर वर्क करते हैं। देन ये फंक्शंस जो है हमारा वर्क करता है किसी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने में। इससे क्या होता है, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसको डिज़ाइन करने के लिए मैं उसको, उसका जो वर्क है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसके सब मॉड्यूल्स बना देते हैं, उससे ईजी रहता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने में। सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने का सेकेंड अप्रोच है वो है OOD यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। इसमें जो मेन फोकस होता है हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। इसको साथ में इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटिंग ऑन फंक्शंस वी कंसंट्रेट ऑन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर क्या होता है, फंक्शंस के ऊपर कंसंट्रेट ना करके इसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट किया जाता है, यानी कि इसका जो मेन फोकस होता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। एंड ऑब्जेक्ट कंटेन बोथ डेटा एंड फंक्शंस, ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा और फंक्शंस दोनों होते हैं, विच आर यूज टू क्रिएट एप्लीकेशन, जो किसी भी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि OOD के अंदर क्या होता है, इसका जो मेन फोकस होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा एंड एप्लीकेशन फंक्शंस होते हैं जो किसी भी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाते हैं। इसका सेकेंड पॉइंट है, इन OOD यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन द एंटायर सिस्टम इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर पूरा सिस्टम ही ऐसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे वर्क करता है, सॉफ्टवेयर को ऐसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ट्रीट करते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है, ईच ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन स्टेट एंड बिहेवियर। इसके प्रत्येक ऑब्जेक्ट का इसका अपना स्टेट और बिहेवियर होता है। जैसे कोई भी पर्सन है उसका स्टेट और बिहेवियर की बात करें, पर्सन का जो स्टेट है वो होगा उसका, उसकी एज कितनी है, उसका कलर कितना है, उसकी हाइट कितनी है, इस तरह से उसका स्टेट होगा। और बिहेवियर की बात करें, उसका बोलचाल, बोलने का तरीका क्या है, किस तरह से वो सीखता है, इस तरह का वो उसका बिहेवियर होगा। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इस तरह से वर्क करता है। इस पर जो मेन फोकस होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। इस तरह से हमने यहाँ पे जाना किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए डिफरेंट जो अप्रोचेस हैं, यानी कि टू अप्रोचेस हैं, FOD एंड OOD, फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। ये किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से ये फंक्शंस वर्क करते हैं, किस तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने में हेल्प करती हैं। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।